हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन रट्टू तोता। आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि फाइव यूनिट्स, हर यूनिट के फाइव यूनिट क्वेश्चन हमने इसके अंदर कलेक्ट किए हैं, जो कि आपके यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हर यूनिट के अपन पाँच क्वेश्चन लेंगे, मीन्स फाइव यूनिट के हम 25 क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर करवाएंगे, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पाँच यूनिट आपकी फर्स्ट यूनिट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इस यूनिट के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, एंड जो भी डिफरेंट टाइप के आपके मॉड्यूल्स हैं लाइक SDLC मॉडल्स, वाटरफॉल मॉडल, वो सब हम फर्स्ट यूनिट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू इन सेकेंड यूनिट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, स्टार्ट कैसे करेंगे, एंड लास्ट फाइनल उसको डिप्लॉय कैसे करेंगे। ये सारा का सारा हम क्लियर करेंगे आपका सेकेंड यूनिट के अंदर। आफ्टर दैट थर्ड यूनिट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, मीन्स सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक यूज़र को किन किन मॉड्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट को यूज़र कैसे फुलफिल करता है, वो हम डिस्कस करेंगे थर्ड यूनिट के अंदर। एंड लास्ट फोर्थ यूनिट इज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, मीन्स हम इसके अंदर डिज़ाइन पार्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कैसे होता है, किस टेक्नोलॉजी के अंदर डिज़ाइन होता है, वो हम फोर्थ यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट वन यूनिट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, इस यूनिट के अंदर बेसिकली हम डिज़ाइन करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम्स लाइक यूज केस डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, वेरियस टाइप ऑफ डायग्राम्स हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट मॉड्यूल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट यूनिट को, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फर्स्ट मॉड्यूल मीन्स फर्स्ट यूनिट ऑफ अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट यूनिट। अब हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, उसके अंदर हमने पांच क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। उस पांच क्वेश्चन का आपको यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंस है, जनरली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और ये एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे फर्स्ट लेक्चर के अंदर, डिफाइन सिस्टम एंड इट्स टाइप विद वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम की। पहले हम ये डिफाइन करना चाहते हैं कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम कैसे वर्क करता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है। बेसिकली सिस्टम इज एन इंटर रिलेटेड सेट ऑफ बिजनेस यूनिट, इट्स वर्किंग टुगेदर फॉर अ सम पर्पज एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम। मींस क्या होता है कि एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, इट इज़ कॉल्ड एज सिस्टम। लाइक अगर हम बात करते हैं कॉलेज की, कॉलेज के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है, लाइक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन एंड अकाउंट इंफॉर्मेशन, बहुत जो भी जितनी भी टाइप की इंफॉर्मेशन होगी वो किसके अंदर होगी, कॉलेज के अंदर। तो कॉलेज क्या हो गया, हमारा एक सिस्टम हो गया। सेम टाइम अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग होती है। सपोज कोई एम्प्लॉय आपका सी पे काम कर रहा है, कोई आपका C++ पे कर रहा है, कोई पाइथन पे कर रहा है, तो वो भी, और उसके अंदर आपका TL भी हो गया, आपका HR मैनेजमेंट भी हो गया, तो ये सारे के सारे क्या हो गया, आपका एक सिस्टम हो गया। मीन्स सिस्टम ऑफ अ कंपनी, मतलब कंपनी भी एक हमारा सिस्टम है। तो इसका मतलब, बेसिक डेफिनेशन का मतलब यही है, कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन या आपकी कोई भी कंपनी होती है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, एक सिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिस्टम के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जो कि हमारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। फाइव टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं आपके पास। फर्स्ट होता है कंट्रोल, सेकंड इनपुट आउटपुट, प्रोसेसर एंड फीडबैक। ये पांच आपके जो एलिमेंट्स होते हैं सिस्टम के, उसके अंदर फर्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोल की। कंट्रोल क्या करता है, कंट्रोल एक आपका सेंट्रलाइज पार्ट होता है, वो कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। सपोज हम कॉलेज की बात करते हैं, कॉलेज के अंदर इंफॉर्मेशन क्या होगी, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होगी, किस टाइप की स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, रोल नंबर, एड्रेस वगैरह जो भी आपका होगा वो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होगी। एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय की सारी डिटेल होगी, एम्प्लॉय का सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट का है, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन होगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कौन आपकी कलेक्ट करता है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और कंट्रोल करेगा। अगर आप उसको कोई चेंज करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, वो कहाँ होगा, कंट्रोल होगा, उसके पास वही एक्सेस परमिशन के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकता है। फिर आता है आपका इनपुट। इनपुट मीन्स एक सिस्टम को रन करने के लिए हम इनपुट क्या क्या दे सकते हैं। इनपुट मीन्स आपके पास आपकी कंपनी है, आपका कॉलेज है, उसके अंदर आपकी
रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट का हम इनपुट किसके अंदर पास कर रहे हैं, हम सिस्टम के अंदर। सिस्टम इनपुट जो हमने दिया, फिर आपका जो प्रोसेसर वो क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा। आपका जो भी आपने इनपुट दिया है उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद क्या होगा, आपका आउटपुट जनरेट होगा। देन आउटपुट के बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट ऑप्शन इज फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या होता है कि आपका काम या आपकी टास्क कंप्लीट होने के बाद आप क्या कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। वो फीडबैक कहाँ जाएगा, आपका इनपुट के अंदर जनरेट होगा। मीन्स अगर सपोज मैं कोई अमेजन से मैंने शॉपिंग की या मैं फ्लिपकार्ट से कोई शॉपिंग कर रहा हूँ, अगर मेरा आइटम है सक्सेसफुली मेरे पास अगर आ जाता है, इट मीन्स क्या होगा, आप उस पर फीडबैक दे सकते हो, आपकी क्वालिटी गुड है या फिर आपकी सर्विस अच्छी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको सपोज आपके टाइम डिलीवरी के अकॉर्डिंग आपका ऑर्डर आपको फुलफिल नहीं हुआ, तो आप उसके ऊपर फीडबैक दे सकते हैं कि टाइम मेरा सुटेबल टाइम था उसके अंदर वो आपका ऑर्डर नहीं आया या फिर उसने डिले कर दिया। तो ये फीडबैक कहाँ चला जाएगा, आपका इनपुट के पास, ठीक है। तो ये आपका एलिमेंट स्ट्रक्चर होता है किसका, आपके सिस्टम का, ठीक है। ये बाउंड्रीज एंड फीडबैक जो कि कहाँ से जनरेट होगा, आपका आउटपुट से जनरेट होगा। तो ये बेसिकली हम बात करते हैं किसकी, सिस्टम की। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के कंपोनेंट सॉरी एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं जो कि आपका सिस्टम कैसे वर्क करेगा। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टम, हमने डेफिनेशन एक्सप्लेन की, हमने एलिमेंट्स बताए, अब हम बात करते हैं सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आपकी, फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इसको फिनिश कर देते हैं आपकी 5 मिनट्स को। अब हम इसकी क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास सिस्टम की इज ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो सिस्टम है, आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उस सिस्टम को आप फुलफिल करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या क्या आपका डेटा होना चाहिए, वो आपका क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट हम इस पर डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आता है। फर्स्ट वन हम बात करते हैं स्ट्रक्चर कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्डर। मीन्स आपका स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर, मीन्स आपका स्ट्रक्चर क्या है एंड आपका ऑर्डर क्या है, ये आपका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है किसका, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका आपका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है आपने उसको कैसे फुलफिल कर रखा है, मतलब आपका उसको आप कैसे, सपोज स्ट्रक्चर हम हायरार्की के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। सपोज कोई स्टूडेंट को अगर फीस जमा करानी होती है तो उसके लिए एक पूरी हायरार्की पहले से फिक्स की होती है कि सबसे पहले वो अकाउंट सेक्शन में जाएगा, अकाउंट्स वाला उससे डिटेल पूछेगा, आफ्टर दैट उसकी एंट्री करने के बाद वो वहाँ से उसकी फ़ी डिपॉजिट कर सकता है। इट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ स्टूडेंट, मतलब स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्टूडेंट का फीस डिपॉजिट कैसे कर सकता है, तो उसका स्ट्रक्चर भी फिक्स है। सेकेंड क्या होता है इसके अंदर, हायरार्की ऑफ सिस्टम, जो हमने डिस्कस कर लिया कि एक हायरार्की होती है उसके अंदर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक होता है आपका कंप्यूटर सिस्टम, हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। कंप्यूटर सिस्टम इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो आपके कंप्यूटर की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ होती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, लाइक आपका CPU हो गया, आपकी स्टोरेज डिवाइस हो गई, आपका हार्ड डिस्क हो गया, ये सारे के सारे क्या फुलफिल करते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम की, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है कौन, कंप्यूटर सिस्टम। मींस CPU वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का पार्ट होता है, मेन सबसे ज़्यादा काम आता है कंप्यूटर के लिए CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग। देन स्टोरेज डिवाइस क्या करती है, आपका जो भी डेटा होता है उसको स्टोर करती है, हार्ड डिस्क ये भी डेटा स्टोरेज डिवाइस है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम इज ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आपकी सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन। नाउ अब हम बात करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं इंट्रैक्शन की, व्हाट इज इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन क्या होता है कि एक यूजर और सर्वर
या फिर क्लाइंट और सर्वर के बीच में कैसे कम्युनिकेट किया जा सके. इट्स अ मीडियम बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर. सपोज ये क्लाइंट है, ये आपका सर्वर है, तो इन दोनों के बीच में अगर हमको कम्युनिकेट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनका डिफाइन करना पड़ेगा. सपोज मैं क्लाइंट हूँ, दूसरा कोई सर्वर है, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन मीडियम कुछ होगा जिसके थ्रू ये आपस में क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं. सपोज हमने बीच में लैन लगा दिया, लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि क्लाइंट एंड सर्वर को क्या करेगा, दोनों के बीच में इंट्रैक्शन करवाएगा. दिस इज अ मीडियम, ये क्या है आपका मीडियम है, जो कि क्लाइंट और सर्वर को क्या करेगा, इंट्रैक्ट करेगा. नेक्स्ट क्या होता है इंट्रैक्शन का मतलब, ये क्या करता है, एक ब्रिज होता है. ब्रिज किस किस के बीच में होता है, ये आपका जो कि आपकी मेमोरी होती है, मेमोरी और डेटा को होल्ड करता है, मेमोरी और डेटा को होल्ड करता है, ये सेकंड आपका इसके अंदर क्या आ गया, इंट्रैक्शन. तो ये आपकी हुई सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम. थर्ड इज इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन भी कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट है, जो कि क्या करता है, इंटीग्रेट करता है. थर्ड वन इज इंटीग्रेशन. बेसिकली इंटीग्रेशन क्या होता है और हम इसको किस किस टर्म को हम इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं. इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, जो भी आपके पास सिस्टम है, सपोज आज हमारे पास सेट ऑफ 30 कंप्यूटर्स हैं, हमारे पास 30 कंप्यूटर का एक सेट है, या फिर हमारे पास 30 कंप्यूटर का हमारे पास स्पेस है, तो हमको क्या करना है, 30 के 30 सिस्टम को हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेट क्या कर रहे हैं हम, सिस्टम को, एक सिस्टम 30 की लैब है हमारे पास, 30 सिस्टम को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, हम 30 कंप्यूटर के बीच में हम लैन केबल से कनेक्ट कर सकते हैं. अगर सपोज हमको इंटरनेट एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, लैन के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, लैन केबल लगा देंगे, तो 30 के 30 कंप्यूटर हमारे क्या हो जाएंगे, एक हमारा ग्रुप हो जाएगा, सेट ऑफ 30 कंप्यूटर्स. लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क. हाउ सिस्टम आर टाइड, अगर हम इसकी बात करें इसकी डेफिनेशन की, मीन्स हाउ सिस्टम आर टाइड टूगेदर टू अचीव द सिस्टम. एक्चुअली क्या होता है, आपके सिस्टम 30 हैं, 30 सिस्टम को आप क्या कर रहे हो, टाइट कर रहे हो, मतलब आप 30 सिस्टम के बीच में एक आप इसको कनेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हो, किसके थ्रू, लैन के थ्रू. लैन आपका क्या हो गया, ब्रिज, जो कि आपको कम्युनिकेट कर रहा है 30 कंप्यूटर्स को. तो थर्ड वन इज इंट्रैक्शन, एंड फोर्थ वन इज इंटरडिपेंडेंस. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या है सिस्टम की, इंटरडिपेंडेंस. मीन्स डिपेंडेंट, दो टर्म होती है आपके पास, फर्स्ट होती है डिपेंडेंट, सेकेंड इज इंटरडिपेंडेंट. डिपेंडेंट मीन्स आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो. जब तक अगर हमारे पास एक क्लाइंट है और सेकेंड हमारे पास सर्वर है, जब तक हमारे पास सर्वर से रेस्पॉन्स नहीं आ जाता तब तक क्लाइंट कुछ भी नहीं कर सकता. अगर सपोज फर्स्ट ये क्लाइंट हो गया, क्लाइंट रिक्वेस्ट किसको भेजता है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है. क्लाइंट ने सर्वर को क्या किया, रिक्वेस्ट सेंड की. जब तक आपका सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तब तक क्लाइंट के पास इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी. इस केस में क्या होगा, इसने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट करने के बाद सर्वर क्या करता है, इसको रिस्पॉन्ड करता है. इट मींस सर्वर का क्लाइंट के पास क्या आ गया, रिस्पॉन्स आ गया, जो भी इसने रिक्वेस्ट भेजी है, इट मींस इसकी रिक्वेस्ट सर्वर के पास चली गई, सर्वर ने रिस्पॉन्ड कर दिया. इट मींस आपका कनेक्शन क्या है, एस्टेब्लिश है, मतलब आपका कनेक्शन परफेक्ट है. ठीक है, इसके अंदर और क्या क्या चीज आती है इंटरडिपेंडेंस के अंदर, कंपोनेंट लिंकेज. मींस आपके जो भी कंपोनेंट है, कंपोनेंट लिंकेज, लिंक किसको करता है, जितने भी आपके सिस्टम के कंपोनेंट उनको क्या करेगा, ये लिंक करेगा, कौन, इंटरडिपेंडेंस. एक आपका ये काम और परफॉर्म करता है, कंपोनेंट डिपेंडेंस. दो टास्क होती है इसकी इंटरडिपेंडेंस की, फर्स्ट कंपोनेंट लिंकेज एंड सेकंड इज कंपोनेंट डिपेंडेंस. आपकी चार कैरेक्टरिस्टिक्स हो चुकी है, फर्स्ट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वन इज इंट्रैक्शन, एंड थर्ड वन इज
इंटीग्रेशन एंड फोर्थ वन इज इंटरडिपेंडेंस एंड लास्ट करेक्टरिस्टिक्स सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। ये आपकी लास्ट करेक्टरिस्टिक्स होती है किसकी, सिस्टम की। एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपकी ये करेक्टरिस्टिक है, लास्ट करेक्टरिस्टिक है आपका सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मींस इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव के अंदर हमको एनालिसिस करना है कि हमारा जो सेंट्रल सिस्टम है या हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा। मींस शुड बी नॉन इन, इसको हम एक टर्म में ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है एक सिस्टम के लिए, हमने कोई भी ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया, हमने कोई भी ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, जो ऑब्जेक्ट हमारा क्या करेगा, जो हमारे एलिमेंट्स हैं किसके सिस्टम के, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको फुलफिल करेगा। मींस आपके पास जो भी एलिमेंट है, सबसे पहले हमने इनपुट दिया, इनपुट क्या हुआ आपका, प्रोसेस हुआ, किसी भी प्रोसेसर के थ्रू आउटपुट आया, आउटपुट के बाद आप क्या कर रहे हो, जो भी आपका आउटपुट है, अगर आपका आउटपुट ठीक है तो मींस इट्स ओके, अगर आपको कोई फीडबैक या आपको सजेशन देना है तो वापस कहाँ चला जाएगा, वो इनपुट के पास आएगा। इट मींस आपके सिस्टम के लिए आपका जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है वो भी आपका क्लियर होना चाहिए, जिस ऑब्जेक्टिव आपने परफॉर्म कर रहे हो या जो आपने ऑब्जेक्टिव दिया है वो आपका सिस्टम के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो ये पांच करेक्टरिस्टिक होती है किसकी, एक सिस्टम की। तो हम वापस एक बार ब्रीफ करें क्वेश्चन को, सिस्टम क्या होता है, पहले हम सिस्टम के डेफिनेशन पे गए, सिस्टम क्या होता है एग्जांपल भी देख हमने एक्सप्लेन किया, उसके बाद हमने एक्सप्लेन किया सिस्टम के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, सिस्टम का, जो कि आपको सिस्टम को फुलफिल करने के लिए ये आपके क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। एंड लास्ट इज करेक्टरिस्टिक्स किसकी, सिस्टम की। एक सिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है, जो हमने आपके साथ डिस्कस की, फाइव टाइप की करेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्स्ट होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड होती है आपकी इंट्रैक्शन, थर्ड होती है आपकी इंटरडिपेंडेंस एंड फोर्थ वन इज इंटीग्रेशन एंड लास्ट इज सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हमने फर्स्ट यूनिट के अकॉर्डिंग ये आपका प्रिपेयर किया, जो कि यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।